दोस्तों आपके फ़ोन में अगर आप जो स्क्रीन लॉक करते हैं तो आपका जो ये होम स्क्रीन में जो फ़ोटोज़ हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं और आप इससे परेशान, इसका सेटिंग कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो अगर स्क्रीन लॉक करते हैं या फिर जब ऐसे ऑन करते हैं तो आपका ये फ़ोटो बार बार जो चेंज होता है इसको कैसे सेटिंग करना है, उसका पूरा कम्प्लीट तरीका मैं आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले आपको मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल का सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की साइड यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन खोजना है, एक ऑप्शन मिलेगा जो है ग्लांस वाईफाई का, तो जिसके लिए आपको लॉक स्क्रीन में जाना पड़ेगा। तो लॉक स्क्रीन का आप जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मिल गया है, आपके फ़ोन में भी मिल जाएगा, चाहे आपका रेडमी का हो, चाहे ओप्पो वीवो कोई भी हो, हर फोन में ये सेटिंग होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे दोस्तों लॉक स्क्रीन में जो है स्टनिंग इमेज एंड एक्साइटिंग स्टोरीज डिलीवर्ड टू यू डेली, यहाँ पे आपका जो इसका इस पर ग्लांस फॉर MI का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपका आपका ओप्पो का फ़ोन होगा तो लिखेगा ग्लांस फॉर ओप्पो, अगर वीवो का है तो ग्लांस फॉर वीवो, ऐसे करके आपका नाम देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस पर टाइप कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे टाइप करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में मांगेगा, तो आपको एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये ग्लांस फॉर MI का जो ऑप्शन है यह हमारा ऑन हो चुका है। अगर आप में इस तरीके से ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों जैसे ऑन कर लेते हैं तो अब आपको सामने यहाँ पे ग्लांस इमेज कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको जो जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपना डेली डाइजेस्ट का ये कैटेगरी ओपन करके रखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगर ऐड अगर अपना कोई अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो ऐड योर ओन इमेज टू वॉलपेपर यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको प्लस के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे फोटो का सिलेक्शन मांगेगा, तो कौन सा फोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो गैलरी से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देना है। चलिए जैसे हम इसको हम नहीं करना चाहते, हम सिस्टम वाला करना चाहते हैं, सिस्टम में हमारा जो फोटो है वो होगा। तो अब हमारा सारा सेटिंग हो चुका है, अब इसके बाद से हम इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद से हम यहाँ पर आपको हम लॉक करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने स्क्रीन लॉक कर दिया, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा, हमारा इमेज आने लगेगा। तो अब दोस्तों देख सकते हैं मेरा, जैसे हम इसको ऑफ करेंगे ऑन करेंगे हमारा दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सेटिंग होने हो चुका है और हमारा हर बार जो है हमारा जो फोटो है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, हमारा हर बार फोटो चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।